कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कोविड की चपेट में आने वाले जहां ब्लड क्लॉटिंग जैसी समस्या से परेशान हो रहे थे, वहीं अब इम्यूनिटी का स्तर घटने से अब कोविड 19 पीड़ितों में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन की शिकायत भी सामने आ रही है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बाद संक्रमित हो चुके लोगों में ब्लैक फंगस की समस्या सामने आ रही है। वायरस की तरह फंगस भी कोविड मरीजों पर हावी हो रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीते 10 दिनों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के करीब 50 मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के लगातार मामले तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ फंगल इन्फेक्शन के मामले भी अब बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भोपाल और इंदौर, ये दो शहर ऐसे हैं जहां पर जो लोग कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं, जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो हो गई है, उन लोगों में फंगल इन्फेक्शन नज़र आ रहा है। भोपाल की अगर बात की जाए तो तकरीबन 50 ऐसे मामले हैं जिनकी पुष्टि की जा चुकी है, और इस इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा परेशानी आँखों की रोशनी को लेकर हो रही है। कई ऐसे मरीज हैं जिनकी आँखों का ऑपरेशन तक करना पड़ा है। इस बीमारी का इलाज कर रहे हमीदिया अस्पताल के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर आईडी चौरसिया ने बताया कि ये बेहद दर्दनाक बीमारी है। कारण ये है कि जो कोविड के मरीज होते हैं, वैसे भी इम्यूनोसप्रेसेंट, इनकी इम्यूनिटी कम तो होती ही है, तो ऐसे पेशेंट की इम्यूनिटी कम होती है। लाइक जैसे पेशेंट डायबिटीज हो या इम्यूनिटी कम हो, तो इन पेशेंट्स में ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन ओवरटेक कर जाता है। इसका और कारण है कि जब पेशेंट को लगातार ऑक्सीजन दी जाती है, मास्क लगा रहता है, तो उसके नाक साफ नहीं हो पाती है, तो इससे वहाँ पे थोड़ा सा इन्फेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे ऐसे पेशेंट जिनको लगातार ऑक्सीजन या ट्यूब पड़ी होती है, नियमित रूप से उनकी आँखों सेलाइन से या एंटीबायोटिक सॉल्यूशन साफ करना चाहिए। कई मामलों में ब्लैक फंगस से ग्रसित अंगों को निकालना पड़ता है, और ये फंगस मुख्य रूप से बॉडी के अपर पार्ट यानी कि आँख, जबड़े और कान को संक्रमित कर रहा है। ऐसे मरीजों को बीटाजिन गार्गल्स या अन्य एंटीबायोटिक गार्गल्स भी करना चाहिए। इनके जो प्रमुख लक्षण होते हैं, मैंने देखा है कि इनके जो सरदर्द होता है, खासतौर पर हाफ सरदर्द होता है, आँख की सूजन होती है। इसका जो मेन इलाज है कि जो लोकल एरिया जितना फंगल में इन्वॉल्व है, इसका ऑपरेशन करते एरिया को निकाल देना चाहिए और साथ में एंटी फंगल देना चाहिए। कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के इलाज में स्टेरॉइड के इस्तेमाल के बाद शुगर बढ़ने से ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। खासकर उन मरीजों को सतर्क रहने की जरूरत है जिन्हें लंबे समय से शुगर की बीमारी है। ब्लैक फंगस की चपेट में ऐसे लोग सबसे ज्यादा आते हैं जो डायबिटिक हैं या लंबे समय से स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं। बेसिकली पोस्ट कोविड ये देखा गया है कि व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, और ऐसी अवस्था में ये देखा गया है कि अगर व्यक्ति डायबिटिक है या उसका शुगर लेवल कंट्रोल ना होने के कारण कोई भी इन्फेक्शन जल्दी पनपता है, और अगर जिन व्यक्तियों की ओरल हाइजीन अच्छी नहीं होती है, जहां पर फंगस का ज़्यादा संक्रमण होने का खतरा होता है, तो अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों में फंगल इन्फेक्शन पनपने का ज़्यादा संभावना होती है। ब्लैक फंगस इतना खतरनाक है कि ये कैंसर की तरह मरीजों की हड्डियां तक गला रहा है। इतना ही नहीं, ये अपने आसपास की कोशिकाएं भी नष्ट कर सकता है। इसी तरह एस्परजिलोसिस फंगस भी कोविड मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। कैसे पहचाने ब्लैक फंगल? नाक से गाढ़ा और ब्लड वाला तरल पदार्थ निकले, नाक के आसपास सूजन आ जाए, आंखों में दर्द होने लगे, सिर में दर्द रहने लगे, आंखों की रोशनी कम होने लगे। हालांकि सरकार इस मामले को लेकर गंभीरता से कदम उठाने की बात कह रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि विशेषज्ञों से बात की जा रही है और इस बीमारी का समाधान और उपचार निकालने की कोशिश की जाएगी। फंगल इन्फेक्शन के भी शिकायतें भी आ रही हैं, कुछ लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो भी रहा है, उसके लिए विशेषज्ञों से बातचीत चल रही है, और उसके लिए हम लोगों ने ICMR को भी इन्फॉर्म किया है, इसकी भी रिसर्च की जा सके, और जो हमारे स्पेशल लोग हैं उनसे भी बातचीत चल रही है कि इसमें हम लोग क्या सावधानी बरतें। इस पर पूरी तरीके से हम लोग प्रयासरत हैं कि इसका भी कोई निकाल निकले। कुल मिलाकर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के बाद ब्लैक फंगस इन्फेक्शन ने लोगों के साथ सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है। ऐसे में देखना है कि ICMR, केंद्र और राज्य सरकार इस दिशा में कितनी तेजी से काम करते हैं। भोपाल से दीप्ति चौरसिया, शुभम गुप्ता और जबलपुर से दुर्गेश कुमार के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।